खरगोन शहर के मांगरुल रोड पर चल रही 7 दिवसीय वैष्णव शिवपुराण कथा का 12 ज्योतिर्लिंग कथा के साथ बुधवार को समापन हुआ। हजारों की तादाद में खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर सहित अनेक स्थानों से श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जीवन में कोई जीव अकेला नहीं, कभी खुद को अकेला महसूस न करे, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर अकेला ही जाया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ईश्वर साथ होते हैं। सद्मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष पाओगे। उसने जन्म दिया, पेट दिया तो भरने की जिम्मेदारी भी उसकी है। मृत्यु लोक पर आपके पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने का मौका है। जैसे माता पिता संतान को अपने से अलग नहीं करना चाहते, वैसे ही ईश्वर भी अपनी संतान को अलग नहीं करना चाहते। आपके कर्मों को सुधारने के लिए मानव जन्म दिया है, इसे भटकाने के बजाय प्रभु भजन में लगाओ। प्रभु भजने से पूर्व जन्म के क्रम कट जाएंगे और ईश्वर को पाओगे। इस दौरान सुरमय भजनों पर भक्ति में लीन नाचते गाते नजर आए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गांव के लोग तालाब में नहाने के लिए जाते, इसकी माँ कपड़े धोती तो या बाहर बैठा बैठा देखता रोता है, सोमवार का रोता है। शंकर और पार्वती का शाम का भ्रमण का समय था। पार्वती ने शिव जी से कहा, सारे बच्चे तालाब में नहा रहे, नदी में नहा रहे, ये बेचारे बच्चे को देखकर मुझे हमेशा आती ना मेरी दया, प्रभु कुछ भी करो पर इस बच्चे को हाथ दे दो, ये बेचारा नहाएगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती ब्रह्मा जी ने जैसा लला तुम मिल दिया है, थोड़ा बहुत तुम्हें बदल सकता हूं, पर भगवान की अगर भी बदल प्राप्त हो तो शिव की कृपा उन्मुख के प्रहार से जब मंथन समुद्र का किया है, सुमेरु पर्वत मंदराचल शेषनाथ में देवता और राक्षस दोनों मिलकर इस प्रसंग पर पूरा ध्यान दीजिए कि देवता और राक्षस दोनों मिलकर मंथन कर, अर्थात शिव महापुराण की कथा करती है कि अच्छे और बुरे इन दोनों से मिलकर ये संसार बना है और संसार चलता है। इससे अच्छे और संत के दरवाजे पर चोर आए, सर्व आसन बाहर पानी गिर रहा, चोर ने दरवाजा बजाया, संत ने दरवाजा खोला, चोर अंदर घुस गए। संत ने पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कह दिया, हम चोर। तुम चोर हो? हाँ, कल बाहर निकलो। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव बाहर बहुत पानी आ रहा है, ओले गिर रहे हैं, बारिश बहुत तेज है, आपके कुटिया में रहने जाने दो, पानी बंद होगा कम होगा मैं चले जाऊंगा। संत को गुस्सा आया, चोर मेरी कुटिया में रहे ये मैं नहीं चाहता, निकल जा यार। डॉक्टर ने उसको बताया, अभी आकाशवाणी हो, संत ये तो आज मालूम पड़ा कि ये चोर है, तो तू उसको अपने कुटिया से भगा रहा है, मुझे तो ये मां के गर्भ में था तब मालूम था कि ये चोर बनेगा, तो भी तो मैंने संसार में रखा है, तो भी तो मैंने उसको संसार में रखा, मुझे मालूम था कि ये चोर बनेगा, ये चोरी करेगा, ये कपट करेगा, या बेईमानी करेगा, या प्रपंच करेगा, तो भी मैंने उसको अपने संसार में इस मृत्यु लोक में रखा,
अगर मुझे मालूम होता, अगर मुझे ये मुझे अगर मानना होता तो उसको जन्म से ही मान लू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।